यूज ऑफ शैल बी एंड विल भी बता दिए थे ना, नेगेटिव सेंटेंस बताते हैं। चलो लिखना शुरू करो। दूसरा मैं नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस आके रख दो, रखो वहाँ पे। नेगेटिव सेंटेंस में बनाने के लिए रूल होता है क्या, पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल। ये वाला बताए थे कल की रे, ये वाला बता दिए थे। लिखो विल या शैल, प्लस में नॉट आएगा, प्लस में बी और उसके बाद अदर वर्ड। जैसे कि मैं तैयार नहीं रहूँगा, मैं तैयार नहीं रहूँगा, वह नर्स नहीं बनेगी, आप उपस्थित नहीं रहेंगे, वह भूखा नहीं रहेगा, बच्चे अनुपस्थित नहीं रहेंगे। चलो देखो ध्यान से, स्ट्रक्चर पर बनाने आता है कि नहीं आता है? स्ट्रक्चर पर बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, देखो ध्यान से पहले, उसके बाद लिखना मैं तैयार नहीं रहूँगा, तो मैं सब्जेक्ट हुआ, आई लगा दी, उसके बाद कहता है विल या शैल, आई के साथ में कौन सी लगेगा, तो आई शैल, आई उसके बाद क्या लगाना है, स्ट्रक्चर पर बनाने के लिए आना चाहिए, नोट के बाद क्या लगेगा, उसके बाद अदर वर्ड में जोर है, एडजेक्टिव रहे या नाउन है, तैयार है तो कौन सी हुआ, एडजेक्टिव हो गया, रेडी हो गया ना, मैं तैयार नहीं रहूँगा, आई शैल नॉट बी रेडी, वह नर्स नहीं बनेगी, तो सी सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, विल, तो सी विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद तो सी विल नॉट बी, उसके बाद क्या है, नाउन है, तो सी के साथ में ये लगता है ना, चाहे एक लिखा रहे या एक लिखा ना रहे, जैसे कॉमन नाउन आएगा तो ए एन का प्रयोग होगा, तो ए नर्स हो जाएगा, वह नर्स नहीं बनेगी, सी विल नॉट बी ए नर्स, आप उपस्थित नहीं रहेंगे, तो आपका इंग्लिश क्या होता, यू के साथ में विल, यू विल, उसके बाद क्या होगा, नॉट, उसके बाद बी, उपस्थित का प्रेजेंट, एडजेक्टिव हो गया ही, आप उपस्थित नहीं रहेंगे, यू विल नॉट बी प्रेजेंट, वह भूखा नहीं रहेगा, वह का ही के साथ में विल, तो ही विल नोट, उसके बाद बी, ही विल नोट बी, अब भूखा की इंग्लिश हंगरी, बच्चे अनुपस्थित नहीं रहेंगे, तो बच्चे की इंग्लिश द चिल्ड्रेन, विल उसके बाद नोट, उसके बाद बी, अनुपस्थित का, समझ में आ गया ना, चलो उतारो ध्यान से, ऐसे ही बनेगा ये बोला, जब भी आएगा नोट बना तो इसी तरह बनाना, मैं तैयार नहीं रहूँगा, आई शैल नॉट बी रेडी, बनाना भी या पढ़ना भी है, इन्हें बना के रख देना, वह नर्स नहीं बनेगी, सी विल नॉट बी ए नर्स, वह आप उपस्थित नहीं रहेंगे, यू विल नॉट बी प्रेजेंट, वह भूखा नहीं रहेगा, ही विल नॉट बी हंग्री, बच्चे अनुपस्थित नहीं रहेंगे, तो द चिल्ड्रेन विल नॉट बी एबसेंट, बना के पढ़ेगा तब देखो, अगर इंग्लिश लिखा रहेगा ना उसका हिंदी खुद से निकालने के लिए सीख जाएगा, ठीक है, ये वाला सीखो, उसके बाद ये वाला खत्म होगा तब बताएंगे इंग्लिश का हिंदी निकालने के लिए।